हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूँ गुलनशी इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी, टीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस एंड एलटी ग्रेड टीचर्स और जो इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इससे कुछ 10 क्वेश्चन जो है मैं अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एट वॉट एज डिड मिल्टन बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड। किस उम्र में मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे? देखिए, वैसे ये बात कई बार हमने पढ़ा है कि मिल्टन जो कम्प्लीटली ब्लाइंड हुए थे वो 44 ईयर्स की एज में हुए थे। इसमें 44 ईयर्स कोई सा नहीं है, तो इसमें इसका जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 43 ईयर्स। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी सही, 43 ईयर्स, सॉरी। अगला प्रश्न है, विच फेमस वर्क ऑफ मिल्टन वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड द फ्री एक्सचेंज ऑफ व्यूज। इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एरोपैगेटिका। अगला प्रश्न है, वॉट इज जॉन मिल्टन्स वन टैलेंट मेंशन्ड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आपने 12th क्लास में जॉन मिल्टन की पोयम पढ़ी होगी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक सोनेट है और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। और ये सोनेट तब लिखी गई जब मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और भगवान से, गॉड से कंप्लेन करते हैं कि उनका जो टैलेंट है, वन टैलेंट, यहाँ पर वन टैलेंट से मतलब है उनकी जो राइटिंग पोइट्री की जो टैलेंट है, पोइट्री लिखने का जो उनके अंदर टैलेंट है, उसको वो कैसे एक्सपोज करेंगे, वो किस तरह से अपने टैलेंट से भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर वन टैलेंट से जो मतलब है एबिलिटी टू राइट पोइट्री है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए, मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? अभी तो मैंने आपको बताया है ये एक सोनेट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मिल्टन्स फर्स्ट मास्टरपीस वर्क वॉज, मिल्टन ने जो बहुत अच्छे अच्छे वर्क किए हैं, बहुत फेमस वर्क किए हैं, लेकिन उनका फर्स्ट मास्टरपीस वर्क कौन सा है? तो वो है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ किड्स नेटिविटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। व्हाट डज मिल्टन्स सोल विश, मिल्टन की आत्मा की क्या इच्छा थी? देखिए, मिल्टन जो है ना तो अमीर बनना चाहते थे, ना बहुत ज़्यादा टैलेंट हासिल करना चाहते थे। वो सिर्फ अपने टैलेंट से, जो उनकी राइटिंग पोइट्री का टैलेंट था, उस टैलेंट से वो भगवान की सर्व करना चाहते थे, सेवा करना चाहते थे। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, टू सर्व गॉड बाय राइटिंग ग्रेट पोइट्री। इनकी विश क्या थी, आत्मा की विश क्या थी कि वो राइटिंग, टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करना, बाय राइटिंग ग्रेट पोइट्री लिखकर। पिक आउट द वर्क विच इज रिटन बाय मिल्टन, वो कौन सा वर्क है जो मिल्टन के द्वारा लिखा गया है? तो ये शुरू में ही दे रखा है, सेकंड नंबर पे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द इलियड, इलियड के लेखक कौन है? तो इलियड के लेखक है होमर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेम द सीक्वेल ऑफ द इलियड, इलियड के सीक्वेल का नाम, डी कैमरन, मार्गाइड्स, द ओडिसे या एनियड। तो है ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का है ऑप्शन नंबर सी, द ओडिसे।
मार्गाइट्स इज ए सैटायरिकल पोयम बाई, मार्गाइट्स एक सैटायरिकल पोयम है, किसकी है? मिल्टन की, होमर की, वर्गिल की, डांटे की? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होमर की। वॉट इज द नेम ऑफ ओडिशियस किंगडम? ओडिशियस किंगडम का क्या नाम है? डेलिशंस, जैकिंथस, इथाका या पाइलोस? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, इथाका। हु वॉज टेलीमेकस मदर? टेलीमाकस की मदर का क्या नाम था? एफ्रोडाइट, पेनलोप, यूरिसिलिया या एथेना? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पेनिलोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट ट्रोजन वॉर? इनमें से कौन सा ट्रोजन वॉर के बारे में है? द ओडिसे, द इलियड, द डिवाइन कॉमेडी या रुबैयत? तो है इसका द इलियड, दैट इज रिलेटेड अबाउट ट्रोजन वॉर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Who was the housekeeper in the Odyssey? Odyssey में housekeeper कौन था? Eumaeus, Penelope, Eurycleia या Athena? तो इसका था option number C, Eurycleia। मेड आवर लाइन अ लाइन ऑफ ओनली सन्स? एथेना, अपोलो, जियस, प्रोमेथियस? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, जियस। जियस मेड आवर लाइन अ लाइन ऑफ ओनली सन्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। Who are the swarms of enemies mentioned by Telemachus? Swarms of enemies कौन थे जो Telemachus के द्वारा mention किए गए हैं? People of Pylos, nobles of Sparta, nobles and lords of Ithaca या soldiers? Option number C is correct, nobles and lords of Ithaca। अगला प्रश्न है, वेयर डिड द रियूनियन ऑफ ओडिशियस एंड टेलीमेकस टेक प्लेस? ओडिशियस और टेलीमेकस का जो रियूनियन है वो कहाँ पर होता है? इन द पैलेस, महल में, इन द हट ऑफ यूमेयस, यूमेयस की हट में, झोपड़ी में, इन द हाउस ऑफ लैड्स या इन द पैलेस ऑफ मेनिलियस? तो ये होता है झोपड़ी में, इन द हट ऑफ यूमेयस। देखिए, अगर किसी भी व्यूवर्स को या किसी भी जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी को भी लग रहा है कि मेरे बताया गया जो आंसर है वो रॉन्ग है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना सही आंसर बताइए और एक्सप्लेनेशन भी दें कि आपका जो आंसर है वो किस तरह से सही है। नेक्स्ट है, ही वेयर्स अवे द मैंस ऑल स्किन एंड बोन्स, हुम डज टेलीमेकस मेंशन हियर? ही वेयर्स अवे द मैंस ऑल स्किन एंड बोन्स, होम डज टेलीमेकस मेंशन हियर? यहाँ पर जो ये जो लाइन्स हैं, इन लाइन्स में टेलीमेकस किसको मेंशन करता है? ओडिसियस को, लैड्स को, यूमेयस को या मेनिलोस को? ऑप्शन नंबर बी, लैड्स को। देखिए,
आपके जो इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस में नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन किसी न किसी के जो टीजीटी पीजीटी नेट केवीएस एनवीएस एलटी ग्रेड इनमें से किसी न किसी के में जो है क्वेश्चंस आपको ये हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ वो सभी में काम आएंगे, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को चेक करते रहिए, क्योंकि वैकेंसीज निकली हुई हैं टीजीटी पीजीटी की भी और एलटी ग्रेड टीचर्स की भी, जैसे लेक्चरर्स की भी, तो आपकी जो ये क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम में काम आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए। नेक्स्ट है, रॉयल सन ऑफ लार्स ओडिशियस ओल्ड कंपेनर, नाउ इज द टाइम, नाउ टेल योर सन द ट्रूथ, हुज वर्ड्स आर दीज। रॉयल सन ऑफ लार्स ओडिशियस ओल्ड कंपेनर, नाउ इज द टाइम, अब वक्त है, नाउ टेल योर सन द ट्रूथ, अब अपने बेटे को सच बताओ, हुज वर्ड्स आर दीज, ये वर्ड्स किसके हैं, यूमेयस पेनिलोप यूरिसिलिया या एथेना। तो ये लफ्ज जो है, ये जो वर्ड बोले हैं, ये बोले थे एथेना ने, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला है, श्योरली यू आर सम गॉड हु rules the vaulting skies, who uttered these words to Odysseus, ये कहे थे टेलीमेकस ने। who transformed Odysseus the beggar to his former self, leaving Telemachus in wonder, Athena, Apollo, Zeus या Prometheus, इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट Athena। I myself won't lag behind you long, I am blazing for a battle, who uttered these words, 32 का है ऑप्शन नंबर डी Athena। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए, आई माई सेल्फ विल नॉट लैग बिहाइंड यू लॉन्ग, आई एम ब्लेजिंग फॉर अ बैटल, हु अटर्ड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने अटर्ड किए, यानी कि उत्तर दिया इन लफ्जों का, पूछ दो उधर, तो इस ये दिया था एथेना ने। हु इज द ऑथर ऑफ द ओडिसे, ओडिसे के लेखक कौन है, तो ओडिसे के लेखक हैं होमर। होमर्स द इलियड इज ए बार एपिक, एलिजी, सोनेट या ओड, तो ये एक वार एपिक है जो ट्रोजन वार के, अभी तो ऊपर बताया है आपको ट्रोजन वार के बारे में है, इलियड ये एक वार एपिक है। नेक्स्ट है, द ओडिसे टेल्स द स्टोरी ऑफ होमर, मिल्टन, प्रोमेथियस या ओडिसियस, तो ओडिसे में जो स्टोरी बताई जाती है वो बताई जाती है ओडिसियस की। ओडिसियस सन वॉज, ओडिसन का बेटा था, एकिल्स, यूमेयस, हरक्यूल्स या टेलीमेकस, तो ओडिसियस का बेटा था टेलीमेकस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द वाइफ ऑफ ओडिसियस वॉज पेनिलोप, देखिए ओडिसियस का जो बेटा था वो था टेलीमेकस और इसकी बीवी का नाम था पेनिलोप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
द गॉडेस हु बी फ्रेंडेड एंड हेल्प्ड ओडिसियस वॉज, जो गॉडेस थी जो बी फ्रेंडेड करती है और ओडिसियस की सहायता की थी जिसने, वो थी एथेना, पोजिडन, एफ्रोडाइट या पैन। एथेना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओडिसियस हैज बीन अवे फ्रॉम होम फॉर, ओडिसियस अपने घर से अलग रहा कितने साल तक, 10, 15, 17 या 20 साल। तो वो रहा अपने घर से अलग 20 साल। हाउ लॉन्ग डिड द बैटल ऑफ ट्रॉय लास्ट, जो बैटल ऑफ ट्रॉय है वो कब खत्म हुआ था, 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में या 4 साल में। तो ये खत्म हुआ था 10 साल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन ओडिसियस रिटर्न्स होम ही अडॉप्ट्स द गाइज ऑफ ए, जब ओडिसियस घर वापस आता है तो वो किसके भेष में आता है, वेश में आता है, स्वाइन हर्ड के, बेगर के, सूट सहर के या सोल्जर के। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बी, बेगर, भिखारी के या स्वाइन हर्ड के। तो ये आता है भिखारी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। देखिए अगर किसी को भी लग रहा है कि मेरे जो आंसर है वो रॉन्ग है, कोई सा भी आंसर रॉन्ग लग रहा है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना आंसर दे। मुझे इसका बेगर है ऑप्शन नंबर बी। द ओडिसे इज एन एपिक, ओडिसे क्या है, एक एपिक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। उसका मुझे स्वाइन हर्ड लग रहा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्वाइन हर्ड हु हेल्प्ड ओडिसियस, उस स्वाइन हर्ड का क्या नाम था जिसने ओडिसियस की सहायता की थी, यूमेस, टेलीमेकस, पेनेलोप। तो इसका नाम था यूमे। Who was Odysseus' father? Odysseus के फादर क्या थे? Eumaeus, Telemachus, कौन थे? Odysseus के फादर कौन थे? Penelope, Lars। देखिए Penelope तो उनकी, Odysseus की वाइफ थी, और एथेना जो थी वो गॉडेस थी जिन्होंने उसकी सहायता की थी। तो एथेना के, Odysseus के फादर थे जी लार्ड्स, ऑप्शन नंबर डी। हुम डज टेलीमेकस, टेलीमेकस उनके बेटे का नाम था, हुम डज टेलीमेकस डिप्लॉय टू कन्वे द न्यूज ऑफ हिज सेफ रिटर्न टू पेनिलोप, बेगर, पेनिलोप, लार्ड्स या ईमियस। ईमियस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Who appears outside the hut of Eumaeus? Eumaeus के हट के आउटसाइड कौन दिखाई देता है? Lars, Athena। तो आउटसाइड जो हट appeared, is appeared Athena। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज टू पेनिलोप डज टेलीमेकस आस्क ईमियस टू डिलीवर, तो इसका है दैट शी इज टू मेक ए सेक्रीफाइस टू एथेना, दैट ही इज सेफ, दैट ही हैज फाउंड हिज फादर,
that he has a plan to kill the suitors. देखिए जो टेलीमेकस है वो कौन सा मैसेज यूमियस के जरिए पेनिलोप को पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है ये कि वो सेफ है, दैट ही इज सेफ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. हु इज द ऑथर ऑफ द डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी के ऑथर कौन है, दांते, इसको लेखक है दांते. विच वर्क ऑफ दांते फोकसेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ, द डिवाइन कॉमेडी, द एनियड, ला विटा न्योवा, द इलियड, ऑप्शन नंबर बी इज द डिवाइन कॉमेडी. अकॉर्डिंग टू दांते द वेरियस कैटेगरीज ऑफ सीनर्स आर असाइंड इन डार्क वैली, पुर्गेटोरियो, पैराडाइजो या इन्फर्नो, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी इन्फर्नो. हु इज दांतेज बिलव्ड, दांते की बिलव्ड कौन थी, हेलन, बेट्राइस, लीडिया या एलिजाबेथ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ब्यूटराइस. हु प्रोटेक्ट्स दांते फ्रॉम द ट्रू डेंजर्स ऑफ हेल, जहन्नुम के खतरे से दांते की सहायता प्रोटेक्ट कौन करता है, वर्गिल, बेट्राइस, एलिजाबेथ या मिल्टन, तो वो करता है वर्किल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. इन दांतेज इन्फर्नो द शी वॉल्फ एलिगोरिकली रिप्रेजेंट्स द कार्डिनल सिन, लस्ट, प्राइड, एवराइज या रैथ, तो वो है एवराइज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Not a man, though I was once, who remarked like this in Inferno. Not a man, though I was once. ये जो लाइन बोली है Inferno में ये किसने बोली है? तो ये बोली है वर्गिल ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. In Dante's Inferno, the leopard allegorically stands for the cardinal sin, lust, pride, avarice, wrath. इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लस्ट. द लॉयन इन दांतेज इन्फर्नो एलिगरिकली रिप्रेजेंट्स द कार्डिनल सिन, लस्ट, प्राइड, एवराइस या रैथ, बी प्राइड. देखिए द लॉयन इन दांतेज इन्फर्नो, ये जो लॉयन है वो कौन सा कार्डिनल सिन रिप्रेजेंट करता है, तो जो लॉयन है वो करता है प्राइड का, ठीक है, और लियोपार्ड जो है वो है एवराइस, लस्ट, ठीक है, इन्फर्नो द लियोपार्ड एलिगोरिकली. The appearance of a hound in Dante's Inferno stands for lust and sloth, pride and envy, avarice and gluttony, wisdom and courage. Option number D is correct, wisdom and courage. नेक्स्ट है हु एड्रेस वर्गिल, देन आर यू वर्जिल, यू
that spring, that stream of eloquence, that ever widening river. She wolf, Beatrice, Dante या Anchise. तो ये है Dante. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है ओह एवरी पोइट्स ग्लोरी एंड गाइडिंग लाइट हु इज रेफर्ड टू. वर्गिल. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. Save me from her, O famous fount of wisdom, to whom does Dante make the request? Save me from her, मुझे उससे बचाओ, O famous fount of wisdom, O प्रसिद्ध बुद्धिमत्ता के fount, to whom does Dante make the request? किससे Dante ये request करता है? वर्गिल से, बेट्राइस से, दांते से या होमर से? तो ये रिक्वेस्ट करता है दांते वर्गिल से. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. शी इज बाय नेचर सच एन एविल्डर हर एविड एपेटाइट इज नेवर स्लैक्ड एंड आफ्टर फूड शी इज हंग्रियर देन बिफोर विच एनिमल इज मेंशन्ड हियर. She is by nature such an avilder. Her avid appetite is never slacked, and after food she is hungrier than before. इसका है ऑप्शन नंबर सी she wolf. I came to birth sub Julio rather late and lived in Rome under the good Augustus, who introduces himself in these lines. I came to birth sub Julio. मैं यहाँ पर sub Julio के birth के लिए आया हूँ. Rather late and lived in Rome under the good Augustus. ये जो lines हैं ये खुद के बारे में कौन बोलता है? वर्गिल, मिल्टन, दांते या होमर? तो ये बोलता है अपने बारे में वर्गिल. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. विच थ्री बीट्स डज दांते इनकाउंटर व्हाइल ट्राइंग टू क्लाइंब द माउंटेन इन कैंटो. लॉयन ल्यूपर्ड शीवॉल्फ सर्पेंट ल्यूपर्ड शीवॉल्फ लॉयन सर्पेंट शीवॉल्फ या लॉयन ड्रैगन ल्यूपर्ड. तो वो था सर्पेंट ल्यूपर्ड और शी वॉल्फ. ऑप्शन नंबर बी. टेकन टुगेदर दांतेज थ्री वर्क्स इन्फर्नो पर्गेटोरियो पैराडाइजो और कॉल्ड द कॉमेडिया द ट्रू वे द डिवाइन कॉमेडी ला विटा न्योवा. ऑप्शन नंबर सी द डिवाइन कॉमेडी. हु कम्स टू गाइड दांते व्हाइल ही इज सीकिंग अ वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट. तो वो था वर्गिल. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. द डिवाइन कॉमेडी फोकसेस ऑन द थीम ऑफ लव आफ्टर लाइफ डेथ या पॉवर्टी. डिवाइन कॉमेडी का जो थीम है वो किस पर फोकस करता है? लव पर, आफ्टर लाइफ पर, डेथ पर या पॉवर्टी पर? तो ये करता है आफ्टर लाइफ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. दांतेज वॉक थ्रू द डार्क फॉरेस्ट इज ए मेटाफर ऑफ डिस्पायर सिन लॉस्ट लव डेथ. तो ये है सिन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. वर्गिल इज एन एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन रीजन. यस. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. वर्गिल इज एन एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ह्यूमन रीजन. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू वर्गिल हु विल किल द शी वॉल्फ. वर्गिल के अनुसार शी वॉल्फ को कौन मारेगा, लॉयन, ल्यूपर्ड, हाउंड या स्नैक. ऑप्शन नंबर सी हाउंड. व्हाट मेड दांते डिस्कैंड द हिल. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने 70 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. इनमें से 10 क्वेश्चंस मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए. तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आई होप. तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे. तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.